बेटा एक गिलास पानी लिया। अबू आपको पता नहीं है पीछे से आवाज नहीं देते और आप इतने ही बूढ़े नहीं है खुद पानी पी सकते हैं। मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे स्कूल का भी काम करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीह। सुने? हाँ बोलो। आज जरा जल्दी घर आ जाएगा। क्यों, सब खैरियत है? हाँ, वो मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, मैं 2-4 दिनों के लिए वहाँ रुकने जाऊँगी। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं जल्दी आ जाऊँगा, फिर साथ चलेंगे। आशिक बेटा कहीं जा रहे हो? हाँ कहीं जा रहा हूँ। कितनी दफा मैंने तुम्हें कहा है कि पीछे से आवाज मत दिया करो, तुम्हें समझ में नहीं आती है? 20 दिन से तो तुझे कह रही हूँ ये चश्मा टूट गया, इसे बनवा दे। कुरान पाक पढ़ने में मुझे बड़ी परेशानी होती है। मेरे पास और भी बहुत सारे काम है, इतना फारिग नहीं हूँ तुम्हारा चश्मा बनवा दूँ। जब टाइम होगा बनवा दूंगा। अम्मी आपको काम अभी ही बोलना था, सारा मूड खराब कर दिया आपने आशिक का। बेटा मैंने उसे कोई गाली तो नहीं दी, इतना ही तो कहा है कि ये चश्मा जुड़वा ला, उसके सिवा मेरा कौन है, किससे बोलूंगी मैं? आप इतनी अभी बूढ़ी नहीं हुई कि कोई काम कर ना सके, आप खुद भी जाके बनवा सकती हैं चश्मा। हाय अल्लाह। अरे आप आ गए, मैंने बैग को रेडी कर दिया है, आप फ्रेश होके खाना खा लें फिर हम चलते हैं। चलो ठीक है। हमजा बेटा एक गिलास पानी लिया। अबू आपको पता नहीं है पीछे से आवाज नहीं देते और आप इतने ही बूढ़े नहीं है खुद पानी पी सकते हैं। मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे स्कूल का भी काम करना है। ये किस तरीके से बात कर रहे हो, बाप है वो तुम्हारा? इसी तरीके से बात कर रहा हूँ जिस तरह ये अपनी माँ के साथ बात करते हैं, और मैंने कर ली तो कौन सी बड़ी बात हो? बाप है वो तुम्हारा? ये भी तो उनकी माँ है, क्यों करते हैं उनसे बदतमीजी, क्यों नहीं मानते उनका कहना? हमजा इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, सारा कसूर मेरा ही है। अगर मैं अपनी माँ की इज्जत करता ना तो आज ये मेरी भी इज्जत करता। औलाद हमेशा बड़ों को देख के सीखते। शाबाश बेटा शाबाश, तुमने मुझे सबक सिखा दिया। जब मैं बुड्ढा हो जाऊंगा तुम मेरे साथ इसी तरह रवैया करोगे। शाबाश शाबाश बेटा। अम्मा मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे नहीं बेटा, मैं तो तुझसे कभी नाराज ही नहीं हुई। कुछ बच्चे तो वही करते जो माँ बाप से सीखते, बच्चे तो कच्चे घड़े की तरह होते, जिधर मोड़ दो वहीं मुड़ जाते। अल्लाह ने तुझे हिदायत दे दी, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। माफ कर दो।